माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। नहीं, हम तो कोर्ट जाएंगे। इट इज समथिंग स्पॉन्सर्ड, प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश है। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वेल, आई एक्सप्रेस सैटिस्फैक्शन दैट द इलेक्शन कमीशन हैज फाइनली टेकन अ डिसीजन। वी वर होपिंग फॉर एन अर्ली रेजोल्यूशन। इलेक्शन कमीशन टुक I think substantial time in hearing both the sides, all legal luminaries, right from Kapil Sibal to Abhishek Manu Singhvi to Mukul Rohtagi and so many other luminaries argued for both the sides, like they argue in Supreme Court. There were detailed arguments, lots of statements, lots of papers, and on the basis of that, the Election Commission has passed a very detailed order. So, do you think that this battle, this legal battle, will end after this Elections Commission's order? Well, I hope not, but at the same time, it's always open to any party to challenge till the highest court of the land. And well, I'm not sure what they will do next, because obviously this is their prerogative. But the same basis, on the basis of which the Election Commission has passed a detailed order after hearing both the sides extensively, I hope that this will be an order which will be sustained at all levels. The fresh order will boost your voters and your supporters of the party? Most certainly, because our party rank and file cadre and also our well-wishers and the party followers will be rejoicing and happy that this matter has been finally settled. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है, तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। लेकिन लेकिन नाम अगर बदला हो तो ये टाइमिंग जो है, अभी चुनाव आने वाले, वो राज्यसभा के अभी भी चुनाव है, व्हिप का मुद्दा जो था वो इम्पोर्टेंट था। नहीं, ऐसे अभी कहाँ व्हिप का सवाल आता है, उन्होंने नया नाम मांगा है, मतलब तो वही होगा ना, तो सवाल ही नहीं आता, पैदा होता उसका कोई व्हिप का। इसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा के लिए आप पक्ष क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे कि हम राज्यसभा का चुनाव कंटेस्ट नहीं कर रहे तो आपको कुछ समय एक्स्ट्रा मिल सकता है क्या? नहीं, अभी तो ऑर्डर आया है, अभी देखेंगे ना, जल्दी का जल्दबाजी किस बात की। मैम, कारण क्या मानती हैं आप इस फैसले का? अदृश्य शक्ति। आपके पक्ष का नेता या फिर चुनाव आयोग, क्या लगता है ये फैसला किसकी वजह से आया है? अदृश्य शक्ति। लेकिन आपने
मतलब डॉक्यूमेंट दिए थे, एफिडेविट दिए थे, वो तो दिए हाँ बिल्कुल एविडेंस दिए थे, वो तो क्या हुआ फिर? अभी इसका सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा ना, मैं इसके जवाब कैसे दे सकती हूँ? आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे, और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है? तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, हम लोगों में जाएंगे। लेकिन आगे की क्या होगी सुप्रीम कोर्ट? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी, अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन सिंबल अभी जो चुनाव आयोग को जो ऑप्शन देने वाले, हाँ वो कल दे देंगे, कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक तीन नाम और तीन सिंबल उनको देने, तो वो कर देंगे कल। वो नाम के बारे में कुछ सोचा है मैम? अभी करेंगे, कल के लिए तो कुछ रखो, आज ये न्यूज करो, कल के लिए तो रखेंगे कुछ। अच्छा, शिवसेना के बाद हमने देखा कि अब ये एनसीपी के साथ हुआ, टूट हुई और मान्यता किसी और को, हमारे पार्टी में टूट नहीं हुई है। हाँ, तो इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? चुनाव भी आने वाले हैं लोकसभा, ये जिस ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी की संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बदला यू नो, हमारे हमारे व्यूज अलग हो सकते हैं, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। और जिस तरह से आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का यूज इस सरकार में हो रहा है, देश है देश, कश्मीर टू कन्याकुमारी पार्टियां तोड़ी जाती है, फैमिलीज तोड़ी जाती है, तो आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी से यह होता है। लेकिन अभी ये ट्रेंड चल रहा है इस देश में, तो इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप लोगों के पास कानूनी रूप से चुनाव आयोग के कोर्ट की अगर बात करें, क्या विकल्प बचता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नहीं, हम तो कोर्ट जाएंगे, हमारा पूरा विश्वास है हमको चीफ, क्योंकि सर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, उनकी उनका कहना है कि इलेक्टेड मेंबर्स एमएलए का स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकता, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। I am not surprised at all. A man who was charged of corruption of worth 70,000 crores and NCP was given a new title by the Prime Minister as Naturally Corrupt Party, today stand shoulder to shoulder with the BJP, shoulder to shoulder with Mr. Narendra Modi, and Ajit Pawar ji happens to be the Deputy Chief Minister of the state of Maharashtra. What has happened is actually totally goes against the spirit of Schedule 10 of the Constitution, goes against the Supreme Court decision and observation with regards to Shiv Sena case. And it is something I will continue to say, it is something sponsored, planned, executed by the central government to try and silence those voices or try and split those voices which speak for the people of this country, which speak strongly against the growing dictatorial tendencies of the government. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.